कैप्टन मसारू की शानदार गोल कीपिंग की वजह से नैन्यो ये गोल नहीं कर पाई, मगर किकर्स के साथ परेशानी ये है कि वो अभी तक टीम नैन्यो के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके सामने युसुगी पहाड़ की तरह खड़ा है। फर्स्ट हाफ के बाद नैन्यो ने 10 गोल कर दिए हैं, मगर किकर्स ने एक भी गोल नहीं किया है। इस मुकाबले में टिके रहने के लिए किकर्स को कम से कम एक गोल तो करना ही होगा। किकर्स को किसी भी तरह एक गोल तो करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में ये मैच फिर से शुरू होने वाला है। किकर्स किसी भी तरह से एक गोल करने को बेताब है। गेंद अब डेको के पास है और किकर्स को ऐसा मौका शायद बार बार ना मिले। This video is encoded by Fierce Tune. अरे नहीं, तुम अब बाहर जाओ। नहीं जा सकते। छीन लिया। केंटा ने इस बार गेंद छीन ली है और किकर्स फिर से मैच में लौट आए हैं। उसे बढ़ने मत दो। अब मैं नहीं रुकूंगा। काकेरू तुम आगे बढ़ो। तकेशी तुम सामने से हट जाओ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। किकर्स ने पहला गोल कर दिया। काकेरू ने कमाल कर दिया। ये क्या हो गया? अरे नहीं, ये क्या, काकेरू खुद ही नेट के अंदर चला गया है। ओके, इसके साथ ही हाफ टाइम का वक्त करीब आ चुका है। युसुगी, अगली बार नेट में मैं नहीं गेंद आएगी। अच्छा, नेट में गेंद आएगी? तुम कोशिश करके तो देखो काकेरू। तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की थी काकेरू। हाँ, मगर गोल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मौके तो मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल, कैप्टन भी वही कह रहे हैं। वो अब नैनियो की कोशिशें बेकार करने लगे हैं। मगर तुम्हें तो गोल करना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, मसारू के लिए गोल करना पड़ेगा। देखो, तुम्हें इस मैच में कम से कम एक गोल तो करना ही पड़ेगा। हद हो गई, तुम तीनों इतना शोर क्यों मचा रही हो? लेकिन हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। क्यों? कोशिश तो हर कोई करता है। तुम गोल करके दिखाओ। तुमने सही कहा। ऐसा है तो ठीक है, देख लेना, इस बार मैं गोल जरूर करूंगा। हाँ, मगर एक बात याद रखना, इस बार तुम गोल के अंदर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो हम हार जाएंगे। हाँ। लग रहा है कि भाई की टीम का हौसला टूट रहा है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किकर्स हमारे शॉट रोक कैसे रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्हें हमारी ट्रिक समझ में आ गई। ये क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो वो कोई गोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जरा बताओ मुझे। क्या कहा तुमने? बेकार की बहस मत करो, जीत हार का असली फैसला तो अब होगा। जो हुआ उसे भूल जाओ और पूरा जोर लगाओ। आज हम जरूर जीतेंगे, देख लेना ताईची। ताईची, आई एम सॉरी, तुम्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम लोग गोल करो। थैंक्स। चलो दोस्तों, हम गोल करेंगे। साथ ब्रेक खत्म हुआ और किकर्स पूरे जोश में मैदान में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किकर्स इस बार गोल कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, हमें उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही होगी। ये लो। मुझे पास करो। और अब किकर्स एक बार फिर से नैन्यो ट्रायो का सामना करने जा रहे हैं। जीतो, जीतो, किकर्स जीतो। बारिश शुरू हो गई। ओह, अचानक ही बारिश शुरू हो गई है।
This video is encoded by Fierce Tunes. अब देखो मेरा कमाल! काकेरू के पास गेंद है और वो बड़ी ही तेजी से गोल पोस्ट की ओर जा रहा है। इस बार मैं गोल करके ही रहूंगा। काकेरू, बॉल मुझे पास करो। टकेशी, केंटा, गोल के पास आकर मुझे पास देना। ये लो पकड़ो बॉल को। ठीक है काकेरू। लगता है अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किकर्स गोल के काफी करीब हैं और नैन्यो का कैप्टन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ताकेशी, तुम सामने से आगे बढ़ो। आ जाओ काकेरू, हमें उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही होगी। काकेरू ने बड़ी जबरदस्त किक मारी है और ये गेंद बड़ी ही तेजी से नेट की ओर जा रही है, मगर युसुगी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मेरे रहते तो गोल नहीं होने वाला। गेंद लाइन पार करने वाली है। ये क्या? ये लो, संभालो मेरी केक। उसने पकड़ लिया है। दूसरी किक भी उसने पकड़ ली। युसुगी अभी भी पूरे जोश में है और उसने इस बार एक नहीं, दो दो शॉट रोक लिए हैं। नैनियो का गोलकीपर तो कमाल का है। युसुगी कितना हैंडसम है। मगर मसारू जितना नहीं। क्या बोल रही हो तुम? गोलकीपर है। ओह, फिर से गिर गया। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? मैं गोल करके ही दम लूंगा। नैन्यू स्कूल ग्राउंड पर बारिश लगातार तेज होती जा रही है और उसके साथ ही साथ ये मैच भी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। किकर्स का काकेरू बार बार गोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर टीम नैन्यू का गोलकीपर युसुगी उसके हर शॉट को रोक रहा है। अब हालत ये हो गई है कि किकर्स इस मैच में किसी तरह एक गोल करना चाहते हैं और टीम नैन्यू उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। काकेरू, तुम बड़े ही जिद्दी लड़के हो, मगर अब नैन्यो को भी असली टक्कर मिली है। चलो दोस्तों, हमें उनका सामना पूरी ताकत से करना है। ट्रायो फिर से गोल करने आ रहे हैं, मगर मैं उन्हें गोल नहीं करने दूंगा। किकर्स का असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये तुम्हारे लिए। वाह, किकर्स के गोलकीपर ने फिर से गोल बचा लिया। कैप्टन, कप्तान, कप्तान, कप्तान। मैं ठीक हूँ। जाओ दोस्तों, जाकर एक गोल करो, जल्दी जाओ।
कैप्टन तुम ठीक हो ना कैप्टन? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं कैप्टन? मसारू तुम ठीक तो हो ना? सुनो, तुम्हारा कैप्टन अभी घायल है, तुम लोग अब आगे खेलोगे या नहीं? खेलेंगे, हम ये मैच खत्म करेंगे। क्या तुम लोग सचमुच में आगे खेलना चाहते हो? हाँ, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। क्यों दोस्तों, हम ये मैच पूरा खेलेंगे ना? क्या हुआ केंटा? कैप्टन को चोट लग गई है, खेलने का मन नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ काकेरू, मगर अब हमारे लिए आगे खेल पाना बहुत मुश्किल होगा। हमने नैनियो क्लब को कड़ी टक्कर दी है, हमारे लिए ये बात कम नहीं है। लेकिन अभी तक हार जीत का फैसला नहीं हुआ है, तुम लोग कैप्टन की बात भूल गए क्या? बकवास मत करो, अगर हमारे साथ हमारा कैप्टन गोलकीपर नहीं होगा तो और कौन होगा? हमारे पास कैची है ना? मैं कैप्टन के लायक नहीं हूँ। हम इस तरह हार नहीं मान सकते, हमें हिम्मत से काम लेना होगा और आखिर तक लड़ना होगा। हमें अपने कैप्टन के लिए कम से कम एक गोल करना ही होगा। मैं ठीक हूँ, जाओ दोस्तों, जाकर एक गोल करो, जल्दी जाओ। मैं कीपिंग करूंगा। क्या? मैं भले ही कैप्टन जैसा नहीं हूं, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तैयार हूं। हाँ ठीक है, अगर इतनी कोशिश की है तो मैच पूरा करके ही रहेंगे। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ। सही कहा केंटा, हम भले ही अब तक कोई गोल नहीं कर पाए, पर अब हम जरूर करेंगे। हमें हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। और देख लेना दोस्तों, आज के बाद कोई हमें लूजर किकर्स भी नहीं कहेगा। अगर हम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं तो गोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हमें उसके लिए एक गोल करना ही होगा दोस्तों। हाँ, अच्छा तो ये आगे भी हमारे साथ मैच खेलना चाहते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, विनर का फैसला तो हो चुका। तुम उनकी बात नहीं समझ रहे हो, आज के किकर्स वो लूजर किकर्स नहीं रहे जिनके साथ हम पहले खेलते थे। हमें आगे खेलना होगा, उन्हें मैच हराना होगा, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कैप्टन के मैदान से जाने के बाद भी किकर्स आगे खेलना चाहते हैं। टीम नैन्यो भी इस बात से हैरान है। और ये मैच फिर से शुरू हुआ। ये लो काकेरू। शुक्रिया टाइची। गेंद अभी किकर्स के सेंटर फॉरवर्ड काकेरू के पास है और वो बड़ी तेजी से नेट की ओर जा रहा है। पास के साथ ये मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। दोनों ही टीम्स अपना पूरा जोर लगा रही हैं। देखते हैं कि मैच किस तरफ जाता है। येलो पास। थैंक यू। अरे तुमने तो गलत पास दे दिया। गेंद अब किकर्स के केंटा के पास है, वो पूरे जोश में गेंद के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने बड़ा शानदार पास दिया है, गेंद गई है काकेरू के पास और वो फिर से गोल करने की कोशिश में। मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, कोशिश तो जरूर करूंगा। तकेशी संभालो। उसने बड़ी सफाई से गेंद तकेशी को दे दी। इधर बारिश लगातार तेज होती जा रही है। बारिश ने खेल की गति को धीमा कर दिया है और अब बॉल कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये क्या, उसने गेंद पकड़ ली या गोल हो गया? नहीं, युसुगी ने एक बार फिर से गेंद पकड़ ली है। किकर्स आज भी कोई गोल नहीं कर पाए। युसुगी का शानदार प्रदर्शन। फिर से गोल बचा लिया, इंसान है या भूत? नहीं, मेरे रहते गोल नहीं होने वाला दोस्तों, हमें उन्हें रोकना होगा।
मैंने इतना जोशीला खिलाड़ी आज तक नहीं देखा है। काकेरू वाकई कमाल का है। उसका खेल देखने में कितना मजा आ रहा है। हमें एक और गोल करना है, किसी भी हाल में करना होगा। हमारी इज्जत का सवाल है। किसी भी हाल में गोल करना होगा। नैन्यो ट्रायो ने फिर से हमला बोल दिया है और वो अपनी खास स्ट्रेटजी से फिर से गोल करना चाहते हैं। कौन मारेगा? यही सही मौका है। सारे खिलाड़ी गोल रोकने की कोशिश में, मगर साथ ही रूल्स का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी तक गोल नहीं हो पाया है। गोल तो हम ही करेंगे। ऐसे कैसे? ओ, गेंद इसी तरफ आ रही है। मैं इसे रोक कर रहूंगा। कमाल कर दिया टाइची। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार गोल बचा लिया। पहले कभी ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा। पूरी टीम गोल बचाने की कोशिश कर रही है। ये है टीम स्पिरिट। मारो की गर्ल्स, गोल मारो। इतनी कोशिश के बाद भी हम गोल नहीं कर पाए। हाँ, किकर्स अभी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मगर वो अभी तक कोई गोल नहीं कर पाए हैं। हे ताईजी, गेंद मुझे दो, जल्दी। गेंद मुझ तक फेंकना, जल्दी थ्रो करो। मैं पूरा दम लगा दूंगा और बॉल का केरू तक पहुंचा कर रहूंगा। फिर से? क्या बात है ताईजी? एक बार फिर से कैप्टन ने बहुत अच्छा सेव किया है और उसने फिर से गेंद थ्रो कर दी है। अब मुझे कुछ करना होगा। मैं ये गेंद उनके पास नहीं जाने दूंगा। इस बार तो मुझे गोल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। कैप्टन युसुगी ने फिर से अपना जादू दिखाया और उसने ये गोल भी बचा लिया। काकेरू, ओह नो, ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं हार तो नहीं मानूंगा, कभी नहीं। येलो! मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे पहले ये बताओ, मैच में क्या हुआ? हाँ, ओह, एक गोल, सच में? हाँ, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम जीत नहीं पाए कैप्टन। अगली बार कोशिश करेंगे। ये किसने कहा? हमने एक बेहतरीन टीम बना ली, यही हमारी जीत है। और हमने एक गोल भी किया। कैप्टन, चलो अब तुम्हें कोई लूजर किकर्स तो नहीं कहेगा। युसुगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम लोगों ने गजब का खेल दिखाया है, अब तुम लोग लूजर्स नहीं रहे। युसुगी, देख लेना, अगले मैच में जीत हमारी होगी। अगर यूं ही खेलते रहे तो ऐसा हो सकता है। हम और मेहनत करेंगे दोस्तों, और जीत हमारी ही होगी। दिस वीडियो इज एनकोडेड बाय फियर्स ट्यून्स।
marcar un gol en el amistoso contra los Nanyu. Pero llegarán partidos más importantes. Y a partir de ahora, necesitamos que todos los jugadores del equipo estén al 100%. No os perdáis el próximo episodio de Supergol. ¡Remata!